हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे कैपेसिटर के सीरीज कॉम्बिनेशन की। कैपेसिटर कुछ ऐसा दिखता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और इसके दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। और इन दोनों को मिक्स कर दो तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है। इन तीनों के सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आज का जो ये वीडियो है सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर है, और इसमें मैं डेरिवेशन के साथ साथ न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। फर्दर वीडियोस अगर आपको चाहिए टाइम टू टाइम, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो यहां पर हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशंस की। जब आप कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हो तो कुछ ऐसा सा सिस्टम होता है। ये कुछ कैपेसिटर है, मान लो तीन कैपेसिटर लेता हूं मैं और उनको कनेक्ट करता हूं मैं बैटरी से। बैटरी से तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा। बैटरी के लिए प्लस माइनस भी, बैटरी की एक प्लेट बड़ी एक प्लेट छोटी होती है, कैपेसिटर की सारी प्लेट्स सेम होती है। मान लो ये जो कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटी है C1, इसकी कैपेसिटी है C2 और इसकी कैपेसिटी है C3। आइडेंटिकल कैपेसिटर्स नहीं है। अब क्या करता हूं मैं कि जब इसको आप कनेक्ट करोगे, जैसे आपने कनेक्ट किया तो इस बैटरी से मान लो क्यू चार्ज निकल के गया, पॉजिटिव क्यू चार्ज इधर निकल के गया इस लेफ्ट वाली प्लेट पे। इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूं, इस लेफ्ट वाली प्लेट पे ऐसा कुछ, ये देखो यही तीनों बनाए। इस लेफ्ट वाली प्लेट पे आया प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि बैटरी से कितना निकला, प्लस क्यू चार्ज निकला, यहां पर आया। देन इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, ये तो समझ में आता है, माइनस क्यू चार्ज आया। देन इस प्लेट पे इनिशियली ये बीच वाली जो प्लेट है इस पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अभी देखा जाए तो कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया यहां पर। तो इस माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां क्या आएगा, ऑटोमेटिकली प्लस क्यू चार्ज आएगा। ठीक है, अब यहां प्लस क्यू आया तो सामने क्या इंड्यूस्ड होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा। देन इस पूरी प्लेट पे पहले कोई चार्ज नहीं था, यहां माइनस आ गया तो अगेन यहां पर क्या आएगा, प्लस क्यू चार्ज आएगा। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से सामने माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। ऐसे ही कॉम्बिनेशन चलता चलेगा, मतलब यहां आएगा प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, इसको लिखता हूं मैं, यहां आएगा प्लस क्यू देन माइनस क्यू, फिर प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कैपेसिटर पे टोटल चार्ज तो कितना हो गया, जीरो। सही बात है, टोटल चार्ज जीरो है। इसलिए ऐसा कभी नहीं बोलते कि कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता, नहीं, कैपेसिटर इज एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, ना कि चार्ज। जितना चार्ज बैटरी से निकल के गया वापस बैटरी में जाता है। क्यू चार्ज बैटरी से निकला तो वापस कितना चला जाएगा, क्यू ही चला जाएगा। ठीक, अब हम इसको समझना चालू करते हैं कि जब क्यू चार्ज इस पे गया कैपेसिटर पे, तो जैसे ही किसी कैपेसिटर पे क्यू चार्ज आएगा उसका वोल्टेज इंक्रीज होगा, वोल्टेज इंक्रीज होगा उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। तो क्योंकि इसकी कैपेसिटी C1 है, इसका वोल्टेज मैं V1 मान लेता हूं, कि मान लो इसका वोल्टेज हो गया V1, इसकी कैपेसिटी C2 है तो इसका वोल्टेज हो गया V2, मतलब पोटेंशियल, और इसकी कैपेसिटी C3 तो इसका पोटेंशियल हो गया V3। यहां तक मुझे बात समझ में आ रही है, दोबारा से समझते हैं। तीन कैपेसिटर थे, तीनों अलग अलग थे, C1 C2 C3। बैटरी से जो चार्ज निकला वो इस पे गया सब पर, अगर क्यू चार्ज निकला तो क्यू ही सब पे गया, मतलब चार्ज सब पे सेम रहा, चाहे कैपेसिटी कम हो ज्यादा हो, चार्ज सब पर सेम आया। यही खासियत है सीरीज कॉम्बिनेशन की कि सब पर चार्ज सेम आएगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं ना। अगर मान लो बैटरी से क्यू चार्ज निकलता और ये ज्यादा चार्ज स्टोर करके इनको कम देता, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, चार्ज कंजर्व रहता है, जितना बैटरी से निकला वापस उतना आएगा ही आएगा। ये ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता कि ज्यादा कर ले इन दोनों को कम दे, नहीं, जितना इससे चार्ज क्रॉस होगा उतना इससे होगा, उतना इससे होगा, सबसे सेम चार्ज हमेशा। जैसा कि रजिस्टर्स में करंट में होता है कि जितनी करंट बैटरी से निकली उतनी वापस आएगी, वैसा ही यहाँ काम है, जितना चार्ज निकला वापस उतना आएगा। तो मतलब कैपेसिटी सबकी डिफरेंट है लेकिन चार्ज सब पे सेम है। अब हुआ क्या, क्यू इज इक्वल टू, अगर मैं सीवी की बात करूं तो वी इज इक्वल टू क्यू बाय सी होता है। अब क्योंकि चार्ज सब पर सेम है, ये तो क्या है, सब पर सेम, तो अगर कैपेसिटी डिफरेंट होगी तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट, मतलब V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C है फॉर Q इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। मतलब जिसकी कैपेसिटी ज्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा उस पर वोल्टेज कम। इन तीनों कैपेसिटर्स पर चार्ज सेम है, मतलब इन सीरीज ये खासियत है, Q रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मतलब आपको कैसे पता लगेगा कि कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में तीनों पर चार्ज सेम होना चाहिए, और तीनों की जो प्लेट है वो अल्टरनेटिवली कनेक्टेड होना चाहिए, माइनस प्लेट प्लस से, फिर माइनस प्लेट प्लस से, ऐसे कनेक्टेड है। या ऐसा समझ लो कि बैटरी से घूम के जब आपको वापस आना है तो एक ही पाथ होना चाहिए, सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत बता रहा हूं, एक ही पाथ होगा।
प्लेट्स अल्टरनेटिवली कनेक्टेड होगी या चार्ज क्या होगा सेम होगा। तो जब ऐसा होगा मतलब क्यू जब कांस्टेंट होगा तो वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया सी। उस केस में जिसकी कैपेसिटी ज्यादा उसका वोल्टेज कम, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मैं बोलता हूं लेट C1 ज्यादा है C2 से और C2 ज्यादा है C3 से, तो V1 कम होगा V2 से और V2 कम होगा V3 से। मतलब जिसकी कैपेसिटी सबसे कम उस पे वोल्टेज सबसे ज्यादा फॉर द सेम चार्ज, सेम ही चार्ज गया है तब भी तीनों पे वोल्टेज अलग अलग आया है। इसको मैं समझाता हूं कुछ अलग तरीके से। ऐसा समझो कि यहां पर तीन पानी की टंकियां हैं, तीन पानी की टंकियां हैं C1, C2, C3, तीनों कनेक्टेड है आपस में। इसको नीचे से कनेक्ट करते हैं, इसे यहां से ये कनेक्ट किया बेस से। तीनों में मैंने पानी भरा, तीनों में, या कनेक्ट नहीं करते ना, छोड़ते हैं एक बार को, कंफ्यूजन हो जाएगा कनेक्शन से। चलो तीनों में कैपेसिटी, चलो कनेक्ट किया, मान लो कनेक्ट किया आपने इसको यहां से, इसमें पानी भरना स्टार्ट किया। जैसे जैसे इसके बिल्कुल बेस में पानी भरेगा, थोड़ा भरता जाएगा, जैसे एक लेवल रीच होगा कि पानी उधर जा सकता है तो उधर भी जाना स्टार्ट करेगा, देन इधर भी जाना स्टार्ट करेगा। एक कंडीशन मान लो ऐसी आई कि तीनों में पानी की हाइट सेम है, मान लो तीनों में पानी की हाइट सेम है, तो मतलब हाइट मतलब समझो वोल्टेज, हाइट मीन्स वोल्टेज, और जितना पानी है मतलब वाटर है मतलब क्वांटिटी है मतलब चार्ज क्यू से लेके, तीनों में हाइट सेम है, तीनों का वोल्टेज मतलब अगर सेम है तो तीनों का चार्ज क्या है, अलग अलग है। सबसे ज्यादा चार्ज किसमें, इसमें, उसके बाद इसमें, और सबसे कम चार्ज इसमें। मतलब इसकी कैपेसिटी कम है तो कम चार्ज होने के बाद भी इसका वोल्टेज इसके बराबर आ गया, जबकि इसमें कितना सारा चार्ज है। तो इसका उल्टा प्रोसेस कर देते हैं। इसका उल्टा प्रोसेस समझने के लिए क्या करें, वापिस से बनाया, इनको कनेक्ट नहीं करा। अब क्या करना है, तीनों का वोल्टेज अलग अलग बताना है, मतलब तीनों में हाइट मुझे अलग अलग रखनी है। मान लो कि इसमें हाइट सबसे कम रखता हूं मैं, उसके बाद इसमें हाइट बढ़ा देता हूं, उसके बाद इसमें हाइट बढ़ा देता हूं। सबसे कम हाइट है, उससे ज्यादा हाइट है, और सबसे ज्यादा हाइट है। क्या लगता है, सबसे ज्यादा पानी इसमें होगा? नहीं, अभी भी पानी सबसे ज्यादा किसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो हाइट यानी कि वोल्टेज कम होते हुए भी ये अच्छा खासा चार्ज स्टोर कर सकता है। हो सकता है तीनों में पानी क्या हो, तीनों में चार्ज क्या हो, बराबर हो, कुछ कुछ मुझे लगता है समझ में आया होगा। हाइट मतलब वोल्टेज और वाटर की क्वांटिटी मतलब चार्ज। तो यहां पर भी देखो कि फॉर द सेम चार्ज वोल्टेज अलग अलग आ रहा है, सब में पानी सेम है, सब में पानी सेम है, लेकिन सबकी हाइट अलग अलग है। जिसकी कैपेसिटी जितनी कम उसकी हाइट, उसका वोल्टेज उतना ही ज्यादा। अब इससे ज्यादा तो ऑफलाइन क्लास में ही समझा पाऊंगा डिस्कशन के बाद, वरना ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, फिर आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं हो और फिर रीच खराब होती है उस वीडियो की, और लाइक भी नहीं करते हो आप लोग देख के जाने के बाद। तो यहां पर हमने देखा इस तरीके से कुछ, सब पे वोल्टेज अलग अलग आया, लेकिन अब मुझे एक चीज पता है कि जितना भी वोल्टेज आया V1 V1 प्लस V2 प्लस V3, ये किसके इक्वल आएगा, बैटरी के। भाई यही तो प्रोवाइड कर रही है एनर्जी, और कौन कर रहा है, और कोई दूसरी बैटरी दिख रही है कि नहीं, अकेली बैटरी है, इस बैटरी का वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, फॉर्मूला लगाते हैं क्यू इज इक्वल टू सी वी वाला, तो वी इज इक्वल टू क्या हो गया क्यू बाय सी, ये पुट करेंगे हम इस इक्वेशन वन में, ठीक है। इस वी की जगह मैं लिखता हूं क्यू बाय सी इक्वल्स टू, अब देखो यहां वी की जगह जो मैंने क्यू बाय सी लिखा है, इसका मतलब है टोटल वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी, तो टोटल चार्ज ऑफ द बैटरी, जितना चार्ज बैटरी ने प्रोवाइड किया। तो ये सी क्या है, टोटल सी, यस टोटल सी है, तो इसको मैं लिख देता हूं सी इक्विवेलेंट या सी सीरीज, सी इक्विवेलेंट भी लिख सकता हूं, कि इन तीनों कैपेसिटर को हटा के कोई अकेला एक कैपेसिटर लगाया जाता, इन तीनों को हटा के एक अकेला कैपेसिटर लगाया जाए इसी बैटरी के साथ, सी इक्विवेलेंट और सी सीरीज, अकेला कैपेसिटर लगाया गया, इमेजिनरी बात है, अकेला कैपेसिटर लगाया गया इसी बैटरी के साथ, लेकिन वो अकेला कैपेसिटर इन तीनों कैपेसिटर के बराबर का इफेक्ट दे दे, तो उसी को सी इक्विवेलेंट बोलते हैं, वही सी इक्विवेलेंट है, और इस पे चार्ज कितना है क्यू, तब की बात की जा रही है, लेकिन सच में लगाया तो नहीं है, सच में तो यही है। तो यहां क्या होगा, V1 इज इक्वल टू Q1 अपॉन C1 प्लस Q2 अपॉन C2 प्लस Q3 अपॉन C3,
लेकिन हमने ध्यान से देखा कि तीनों पे चार्ज तो क्या है, सेम है, तो मैं इसको हटा देता हूं। Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3 है, तीनों पे चार्ज क्या है, सेम, ऐसा है। ठीक है, तो जब कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, वन अपॉन सी सीरीज इज इक्वल टू वन अपॉन C1 प्लस वन अपॉन C2 प्लस वन अपॉन C3। मतलब जब आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है इन सीरीज, तो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस को पहले उल्टा करो, इन्वर्स करो, देन ऐड करो, उसको उल्टा करके ऐड करो। तो यहां मुझे फील आ रही है कि जो टोटल कैपेसिटेंस आएगी वो छोटी आएगी। और आप देखो, इसको ये आंसर नहीं है, वन अपॉन सी एस आंसर नहीं है, पूरा सॉल्व होगा। ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, ये पूरा सॉल्व होने के बाद उल्टा करना है। कई सारे स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, सीरीज में निकालना है, ओके, सी सीरीज इज इक्वल टू वन अपॉन C1 प्लस वन अपॉन C2 प्लस वन अपॉन C3। गलत, उल्टा करने का मौका ही नहीं मिला, ये तो आपने आंसर ही दे दिया। ये आने के बाद उल्टा करना है, वो आपका आंसर होगा। मैं एक न्यूमेरिकल करके बताता हूं, तब जाके आपको समझ में आएगा। मैं इसको मिटा रहा हूं। एक कैपेसिटर है 3 माइक्रोफेरेड का, दूसरा है 6 माइक्रोफेरेड का, और तीसरा है मान लो 9 माइक्रोफेरेड का। तीन कैपेसिटर लिए और इन तीनों को कनेक्ट किया मान लो 18 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, अब क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, कैसे पता लगा, एक ही रास्ता है, एक ही पाथ, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब तीनों पे चार्ज कैसा आने वाला है, सेम आने वाला है। आपसे पूछा जाएगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए ये फॉर्मूला है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने जाऊंगा, मतलब 1/C सीरीज इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9। अब मैंने क्या लिया, एलसीएम 18 ले लूं, 12 भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, नहीं, 9 है ना, 18 ही लेना पड़ेगा। ओके, तो 3 6 जा 18, 6 3 जा 18 और 9 2 जा 18, 1/CS। ठीक है, तो 1/CS इज इक्वल टू 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11/18। ये आंसर नहीं है, आंसर है CS मतलब सी सीरीज 18/11, ये आपका आंसर है। तो समथिंग कुछ 1 पॉइंट जाएगा ये। सबसे छोटा कैपेसिटर कौन सा था, 3 माइक्रोफेरेड का, ये तो उससे भी छोटा आ गया। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम कैपेसिटर्स को लगाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ने की जगह उल्टा घट जाएगी। यस, बिल्कुल सही बात है, सबसे छोटा 3 माइक्रोफेरेड का था, उससे भी छोटा आ गया। चलो एक और करके देखते हैं, कुछ 20 माइक्रोफेरेड, और इसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, मान लो कुछ भी, प्लस माइनस जो भी बैटरी। हम अभी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सीख रहे हैं, तो सी इक्विवेलेंट जो आएगा, मतलब 1/C सीरीज इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/20। एलसीएम ले लो, 1/CS इज इक्वल टू एलसीएम ओवर 20 2 प्लस 1, तो CS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20/3, कितना आएगा, 20/3 6 समथिंग, कुछ 6 पॉइंट समथिंग। सबसे छोटा कैपेसिटर कौन सा है, 10 का, लेकिन आंसर किस में आ रहा है, 6 पॉइंट समथिंग में, मतलब छोटे से भी छोटा। तो यस, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलती है वो मिलती है लोअर देन द लीस्ट, छोटे से भी छोटी आती है। अगर आपको कोई दो तीन कैपेसिटर्स दे दिए एग्जाम में कि इनसे मिनिमम कैपेसिटेंस निकाल के बताओ, मिनिमम कितनी होगी, तो आपको बिना दिमाग लगाए सीरीज कॉम्बिनेशन करना है, मतलब जो भी कैपेसिटेंस दी गई है उसको उल्टा करना है और ऐड कर देना है। अब ये जो तरीका है या ट्रिक है, जो भी आप कह लो, ये तब काम करेगा जब आपको दो कैपेसिटर दिए हो, मान लो C1 और C2, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो आप बोलोगे तो बड़ा आसान है, 1/C सीरीज इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, देन फिर हम एलसीएम लेंगे, जब दोनों अलग अलग है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ले लिया, ये हो गया C2 प्लस C1 1/C सीरीज, तो C सीरीज इज इक्वल टू हो गया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। बस यही ट्रिक थी या तरीका, जो भी आप कहना चाहते हो, कि जब भी दो कैपेसिटर दिए हुए हो, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 करो, इसको फिर उल्टा नहीं करना, ये उल्टा करने के बाद है। क्योंकि अगर आप एग्जाम में इतनी सारी स्टेप्स करके यहां तक पहुंच रहे हो तो ऑलरेडी आप लेट हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है। और आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, जैसे क्या क्या याद कर सकते हो, मान लो आपको दे रखा है 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड। अब आप जब करोगे ना, ये C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, मतलब ये करोगे 3 माइक्रोफेरेड मल्टीप्लाई बाय 6 माइक्रोफेरेड अपॉन 3 माइक्रोफेरेड प्लस 6 माइक्रोफेरेड मतलब 9 माइक्रोफेरेड। तो ये 3 माइक्रोफेरेड से ये 3 टाइम्स गया और 3 से ये 2 टाइम्स गया, तो आंसर आ गया 2 माइक्रोफेरेड। तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो बनेगा वो बनेगा 2 माइक्रोफेरेड का, 3 और 6 का सीरीज में 2 बनेगा। मान लो इन दोनों से मैं कर दूं 2 का मल्टीप्लाई, जब दोनों से 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां हो जाएगा
6 माइक्रोफेरेड और 12 माइक्रोफेरेड। अब क्योंकि इन दोनों से मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो आंसर भी जो आएगा वो अब 2 माइक्रोफेरेड नहीं आएगा, वो आएगा आंसर 4 माइक्रोफेरेड। तो मतलब बेस ये था। अब मैं इससे 3 का मल्टीप्लाई करता, तो इससे अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर देता तो यहां आता 9 माइक्रोफेरेड और 18 माइक्रोफेरेड। तो हमारा आंसर 2 माइक्रोफेरेड नहीं आएगा, 2 × 3 यानी कि 6 माइक्रोफेरेड आएगा। आपको विश्वास नहीं होगा तो करके देख लेते हैं। C1 C2 पर C1 प्लस C2, यहां पर एक और गलती बता देता हूं बच्चों की। क्या करते हैं, C1 C2 करना है तो 9 × 18 करने लग जाएंगे, कितना आएगा? अरे रहना दो इसको, नीचे कितना आएगा, 18 + 9, 18 + 10 कितना होगा, 28, 27। तो 9 × 3 = 27, 3 × 6 = 18, तो आ गया आंसर। और आप बोलोगे यहां तो 6 आया, आपका तो 6 माइक्रोफेरेड आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने दोनों जगह माइक्रोफेरेड माइक्रोफेरेड नहीं लिया, ये जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा हूं। दोनों जगह ऊपर माइक्रोफेरेड इंटू माइक्रोफेरेड मतलब माइक्रोफेरेड का स्क्वायर, और नीचे आएगा माइक्रोफेरेड, तो एक स्क्वायर कट के आंसर ये आ जाएगा। ये इस तरीके से कुछ सीरीज कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब एक और तरीके की तरफ बढ़ते हैं हम, जब आपको आइडेंटिकल कैपेसिटर्स दिए हो तब। मान लो आपको n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स दिए हुए, मतलब आइडेंटिकल कैपेसिटर्स है कितने बार, n टाइम्स। ये कैपेसिटेंस है सी, इसका भी सी, ये भी सी, ऐसे चल। तो अगर आपको सी इक्विवेलेंट निकालना हो, वाह, अगर आपको सी इक्विवेलेंट निकालना हो तो सी सीरीज इज इक्वल टू 1 / C + 1 / C + 1 / C --, कितना, n टाइम्स। मतलब 1/C सीरीज इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 1/C, या मैं इसको लिख सकता हूं n/C। तो सी सीरीज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल C/N। डायरेक्ट याद करो, बहुत बेनिफिट देगा। दो कैपेसिटर्स हैं 2 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का साइन 3 बार, मतलब बराबर के बाद एक और बार, तो ये हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 माइक्रोफेरेड। अगर आपको कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन दे रखा है, थ्री माइक्रोफेरेड, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के बताओ। तो हमने देखा ए और बी के बीच में अगर हमें कैपेसिटेंस निकालना है तो मैं चाहता तो यहां पे बैटरी लगा देता। जब मैं बैटरी लगाता, वैसे दी भी नहीं है, हम सोच रहे हैं सॉल्व करने के लिए, ये बैटरी लगाई, तो क्या कोई भी दूसरा रास्ता है क्रॉस करने के लिए, या एक ही रास्ता है ए पॉइंट से बी के बीच में जाने के लिए, एक ही रास्ता है ये वाला बस, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, ये तो खुद बैटरी है। ए और बी के बीच में इन तीनों कैपेसिटर को क्रॉस करके जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है, तीनों सीरीज में। और जब सीरीज में आइडेंटिकल कैपेसिटर लगे हों तो यहां पर आप C/N कर देते हो, जहां पर N होता है नंबर ऑफ कैपेसिटर। तो एक कैपेसिटर कितना है 3 माइक्रोफेरेड का, और नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने, 1, 2, 3, तो आंसर कितना आ गया, 1 माइक्रोफेरेड। इस तरीके से भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन को कर सकते हो। तो आप समझ रहे हो कि सबसे छोटा वाला कैपेसिटर था 3, उससे भी छोटा आया, 2 से भी छोटा आया। अगर मैं 1, 1, 1 के कर दूं 10, तो 1/10.1। तो मतलब जब भी आप सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हो कैपेसिटर्स को, तो नेट कैपेसिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। यहां पर टोटल है 1, 2, 3, 4, 5 कैपेसिटर्स, और पांचों के पांचों सीरीज में है, क्योंकि इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में आपको यही रास्ता लेना पड़ेगा, कोई और रास्ता आप अपने हिसाब से बना के नहीं ले सकते। यहां पर 3 कैपेसिटर हैं 3 माइक्रोफेरेड के, और 2 कैपेसिटर हैं 2 माइक्रोफेरेड के। तो आप सोचोगे कि वो जो ट्रिक लगाई थी हम C/N, क्या वो लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। आप इनको रीअरेंज कर सकते हो, जब तक प्रैक्टिस की कमी है तब तक मैं इसको ऐसा लिख के बता रहा हूं। एक्चुअली मैं कैसा दिया हुआ है, 3, then 2 वाला, then 3 वाला, फिर 2 वाला और ये 3। इनको मैं रीअरेंज भी तो कर सकता हूं, 1, 2, 3, ये 3 वाला, 3 वाला, 3 वाला, और बचे कौन से, 2 और ये 2। 3 कैपेसिटर आइडेंटिकल सीरीज में, तो जितने भी नंबर का उसका डिवाइड लग जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। मतलब 3/3 कितना हो गया, 1 माइक्रोफेरेड, और यहां पर 2/2 हो जाएगा अगेन 1 माइक्रोफेरेड। दो जो है आइडेंटिकल कैपेसिटर फिर से आ गए, तो कैपेसिटेंस कितनी आएगी, सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, कैपेसिटी कितनी है ईच कैपेसिटर की, 1, और कितने हैं 2, तो 1/2 यानी कि 0.5 माइक्रोफेरेड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है, आप चाहते हैं आपके दोस्त वगैरह भी समझ सकें चीजों को, तो उनको शेयर जरूर कीजिए, किया कीजिए, और लाइक जरूर करके जाया कीजिए। बाकी तो गर्मियां बहुत है, आपको लग ही रहा होगा, पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है, तो आप
कोशिश करें कि सब्सक्राइब जरूर करके जाएं चैनल को, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। एक अच्छा फील होना बहुत जरूरी है वीडियो बनाते रहने के लिए। तो आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।